In the name of Almighty Allah, who is infinitely kind and merciful, O Almighty Allah, expand my breast with assurance and remove the impediment from my tongue and make my task ease for me so they may understand what I say. Assalamu alaikum to everyone in my lecture of English subject. Dear students, in today's lecture, we are going to study our 12th point, Rubaiyat, written by poet Allama Iqbal. In our today's lecture, we are discussing the text of poem, about the central idea of poem, and about the poet. And after that, we will study synonyms of the poem. सबसे पहले हम नज़म के शायर के मुतालिक बात करते हैं, उसके बाद फिर नज़म के सेंट्रल आइडिया को, फिर उसके टेक्स्ट को इवेलुएट करेंगे, और आफ्टर दैट इन द लास्ट ऑफ आवर लेक्चर वी विल लर्न सिनोनिम्स ऑफ द पोएम। सबसे पहले देखिए, ये नज़म का जो पोएट है वो अल्लामा इकबाल है, रुबाइयात नज़म है, और ये ओरिजिनली फारसी जबान की नज़म है, फारसी में अल्लामा इकबाल की तरफ से पर्शियन में लिखी गई है, और इसीलिए पर्शियन जबान में इसको रुबाई कहा जाता है। अब देखिए, अल्लामा इकबाल 1877 में पैदा हुए और 1938 में उनकी डेथ हुई। इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पोएट्स, राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स एंड थिंकर्स ऑफ मॉडर्न टाइम। वो जदीद दौर के बहुत अलग किस्म के शोरा से, दानिश्वरों से, थिंकर्स, मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोगों से बिल्कुल आउटस्टैंडिंग थे, बिल्कुल आला थे। ही इज ए मेजर उर्दू पर्शियन पोइट एंड राइटर। वो उर्दू फारसी के शायर और लिखारी, बहुत बड़े लिखारी हैं। ही बिकम्स ए मेजर फोर्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को तख्लीक करने के पीछे बहुत बड़ी ताकत साबित हुए थ्रू हिज लिटरेरी वर्क एंड पोलिटिकल एफर्ट्स, अपनी अदबी कारनामों से और सियासी कोशिशों से। ही इज कॉल्ड एज थिंकर ऑफ पाकिस्तान, उन्हें मुफक्करे पाकिस्तान भी कहा जाता है, एंड द पोएट ऑफ द ईस्ट, और शायरे मशरक भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, जो कि इस पोएम के पोएट हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। हम नज़म के मरकजी ख्याल की तरफ चलते हैं कि नज़म में किस चीज की बात की जा रही है। अब देखिए, इन रुबाइयों के अंदर, यहां पर मैं थोड़ा सा रुबाई का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। रुबाई के कॉन्सेप्ट में यह बात होती है कि रुबाई उस पोएम को कहा जाता है जो कि जिस पोएम का एक स्टैंजा फोर वर्सेस पर कंसिस्ट करता हो, फोर लाइंस का हो, यानी चार लाइनों का, जो उर्दू में से हम बंद कहते हैं, इंग्लिश में स्टैंजा कहते हैं, वो उसको फारसी में रुबाई कहा जाता है। तो इन दीज रुबायात, इन रुबाइयों में अल्लामा इकबाल हैज लैमेंटेड द लॉस ऑफ फेथ इन मुस्लिम्स। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों में ईमान की कमजोरी के ऊपर अफसुर्दगी का इजहार किया है, मातम किया है। मुस्लिम्स आर नाउ लुकिंग टुवर्ड्स वेस्टर्न एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन। मुसलमान यूरोपी और यानी बिरूनी और मगरबी जो सिविलाइजेशन काफते हैं, उन पर, उनकी तरफ देख रहे हैं फॉर इंस्पिरेशन, पुरजोशी के लिए, अपने को तकलीफ देने के लिए, विच इज ए सैड थिंग, जो कि एक गमजदा बात है, यानी अल्लामा इकबाल ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद इस्लाम इज ए यूनिवर्सल रिलीजन। इस्लाम एक बैन अल-अक़वामी आफाकी दीन है, विच हैज ए प्रॉपर गाइडेंस फॉर मुस्लिम्स, जिसमें मुसलमानों के लिए मुनासिब रहनुमाई है। बट मुस्लिम्स आर गोइंग अवे फ्रॉम देयर रिलीजन, लेकिन मुसलमान अपने दीन से दूर जा रहे हैं, एंड इट्स टीचिंग्स, और इसकी तालीमात से। दे हैव बिकम मैटेरियलिस्टिक, मुसलमान मादाप्रस्त हो चुके हैं। मुस्लिम्स आर इन अ नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ, मुसलमानों को सख्त ईमान की जरूरत है, लाइक दैट ऑफ हजरत अब्राहम अलैहिस्सलाम, जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान था। फेथलेसनेस इज वर्स देन बीइंग ए स्लेव, बेअमानी एक गुलामी से भी बदतरीन चीज है। ठीक है, अल्लामा इकबाल इस रुबाई के अंदर यही कहते हैं, हैविंग नो फेथ इज वर्स देन स्लेवरी, के ईमान ना रखना गुलामी से भी बदतर है। अब हम चलते हैं पोएम के टेक्स्ट की तरफ। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि पोएम का टेक्स्ट
तीन स्टैंजास पर कंसिस्ट करता है। तो अब हम ईच एंड एवरी स्टैंजा को उर्दू ट्रांसलेशन के साथ और डिफिकल्ट वर्ड्स को उर्दू मीनिंग के साथ हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फेथ इज लाइक अब्राहम, ईमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह होना चाहिए। यहां पर देखिए फेथ स्टार्ट पे ईमान की बात कर रहे हैं अल्लाह के बाद, इज लाइक अब्राहम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह होना चाहिए, एट द स्टेक तख्तादार के ऊपर भी, यानी कि इंसान को तख्तादार पर भी चढ़ा दिया जाए तो वन हैज मस्ट स्ट्रॉन्ग फेथ इन अल्लाह ऑलमाइटी, किसी भी आदमी का अल्लाह ताला की जात पर बिल्कुल पुख्ता यकीन होना चाहिए। यानी अल्लामा इकबाल इसको मिसल दे रहे हैं कि ईमान की मिसल जो है, सिमिलैरिटी जो है और ईमान की स्ट्रॉन्गनेस जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह होनी चाहिए, एट द स्टेक तख्तादार के ऊपर भी। टू बी, अगर सेल्फ ऑनरिंग, कोई भी बंदा खुद दार हो, सेल्फ ऑनरिंग कहते हैं अपने आप को देखने वाला, सेल्फ असर्शन, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, खुद का मुहाफजा, खुद का मुहासबा करने वाला, खुद से पूछ पूछ करने वाला, ये होना चाहिए। एंड गॉड ड्रंक, खुदा की जात में गर्क होना चाहिए, इज फेथ, यही ईमान है। हियर मी, मेरी बात सुनो, यहां पर अल्लामा इकबाल कहते हैं हियर मी, मेरी बात सुनो, यू होम दिस एज वे सो कैप्टिवेट, तुम जिस दौर में रह रहे हो बड़ा सहजदा दौर है। एज यहां पर क्या है, दौर को यहां पर साबित किया गया है, एक सदी को, एक सालों को, एक जो दुरानिया चल रहा है दौर का उसको साबित किया गया है। टू हैव नो फेथ इज वर्स देन स्लेवरी, वो कहते हैं ईमान ना रखना गुलामी से भी बदतरीन है। तो स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट स्टैंजे का उर्दू ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम। देखिए, म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स, अजीबो गरीब ममालिक के नगमे, राग, ठीक है, यहां पर अल्लामा इकबाल कह रहे कि मुख्तलिफ ममालिक के राग अलापे जा रहे हैं, नगमे लोग गा रहे हैं। स्ट्रेंज अजीब, लैंड्स से मुराद यहां पर जमीनी ममालिक, विद इस्लाम्स फायर ब्लैंक, जिसके ऊपर इस्लाम की आग दहकती है, यानी इस्लाम को वो नुकसान पहुंचाते हैं। ऑन विच द नेशंस हारमोनी डिपेंड्स, इस्लाम की वो तालीमात जिसके ऊपर कौम की हम आहंगी इन्हसार रखती है। हारमोनी कहते हैं आपस में मेल जोल, यूनिटी, हम आहंगी, इतिहाद, सलूक, डिपेंड्स इन्हसार करता है। कहते हैं कि अजीबो गरीब ममालिक के नगमे इस्लाम की तालीमात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस पर एक कौम की हम आहंगी इन्हसार करती है। एंटी ऑफ कॉन्कॉर्ड इज द साउल ऑफ यूरोप, यूरोप की रूह के अंदर इतिहाद खत्म हो चुका है, खाली हो चुकी है। हूज सिविलाइजेशन टू नो मक्का बैंड्स, उनकी तहजीब का कोई किबला नहीं है, यहां पर मक्का से मुराद है कि उनका कोई किबला नहीं है, कोई काबा नहीं है, बैंड्स जहां पर वो झुक सके, जहां पर वो अपने सरखम तस्लीम कर सके। तो कहते हैं कि बैरूनी ममालिक की जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनका कोई किबला, उनकी सकाफत का नहीं है। तो अब हम तीसरे स्टैंजे की स्टडी करते हैं। लव्स और दिस स्टैंजा इज मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टैंजा ऑफ द पोएम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड के इम्तिहान के नुक्ते नजर से ये स्टैंजा इस पोएम का अहम तीन स्टैंजा है, ये वाली रुबाइयत। तो लव्स सैडनेस हैज डिपार्टेड, मोहब्बत की दीवानगी रुखसत हो चुकी, यानी यहां पर अल्लामा इकबाल किन लोगों की एग्जाम्पल देना चाहते हैं, जो पुराने दौर में दरवेश थे, जो वहां पर सेंस थे, सेंस औलिया किराम थे, उनकी मोहब्बत इतनी ज्यादा थी, इतनी इंटेंसिटी थी उनकी मोहब्बत में, इतनी शिद्दत थी कि वो खुद को भूल जाते थे, दूसरे लोगों को भूल जाते थे, अपने एग्जिस्टेंस को भूल जाते थे, अपने वजूद को भूल जाते थे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि लव्स मैडनेस हैज डिपार्टेड, आज जो चलता है खून वो पतला हो चुका है, थिन हो चुका है, रैंक्स ब्रोकन, मर्तबे टूट चुके हैं, ठीक है, ओहदे टूट चुके हैं, हार्ट्स परप्लेक्स्ड,
इंसान के दिल अफसुदा हो चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं, प्रेयर्स कोल्ड, इनकी इबादतें, इनकी नमाजें बेअसर हो चुकी हैं, नो फीलिंग डीपर देन द स्किन, और जिल्द से गहरा कोई भी किसी चीज को महसूस नहीं कर सकता। तो जी ये हमारे पॉइंट का थर्ड स्टैंजा था, इसकी कंप्लीट उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स ये पॉइंट आउट कर दी गई है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिनोनिम्स ऑफ द पॉइंट। हम इस नज़्म के सिनोनिम्स को देखते हैं। सबसे पहले देखिए जी, फर्स्ट स्टैंजे के अंदर वर्ड यूज हुआ है, यहां पर देखें आप देख सकते हैं यहां पर वर्ड यूज हुआ है फेथ। तो फेथ उर्दू में ईमान को कहते हैं, इंग्लिश में इसका मीनिंग बनेगा बिलीव। दूसरे नंबर पे देखिए यहां पर फर्स्ट स्टैंजे की फर्स्ट लाइन में वर्ड इज टेक, तख्तादार, गैलो, स्कैफर्ड और इन डेंजर, खतरे के अंदर ये हम कह सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए जी, यहां पर वर्ड आ गया बोर्ड ड्रंक, खुदा की जात में महव, खुदा को लवर ऑफ अल्लाह, इसका मीनिंग बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यू होम दिस एज वे सो कैप्टिवेट, कैप्टिवेट कहते हैं सहजदा कर देने वाला, बहुत अपनी तरफ कायल कर देने वाला, फैसिनेट, इसका मीनिंग आएगा। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट आगे जी स्लेवरी वर्ड, गुलामी कहते हैं, बॉन्डेज, गुलामी का मीनिंग है। अब देखिए दूसरे स्टैंजा के जो यहां पर सिनोनिम्स यूज हुए हैं वो ये हैं, सबसे पहले लैंड्स, यहां पर देखिए लैंड्स ममालिक को कहते हैं, इसका आ गया कंट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट आ गया है फायर, फायर से बाद जेस्ट, जिसको हम कहें शौक या तपश, आप तपश कह लें, ठीक है, किसी भी वो इमाम इस्लाम की तालीमात की बात कर रहा है, तो वो तपश जो बहुत ज्यादा शौक, जोशो क्रोश जिसको हम कह लें, फायर जेस्ट, इसका मीनिंग आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आगे है जी वर्ड हारमोनी, हारमोनी कहते हैं हम आंगी इतिहाद, इसका है कॉन्कॉर्ड, ठीक है, और एक मीनिंग इसका और आप ऐड कर लें यहां पर यूनिटी, यू एन आई टी वाई, यूनिटी आ जाएगा कॉन्कॉर्ड का, ठीक है जी मीनिंग। नेक्स्ट आगे हारमोनी के बाद वर्ड है यहां पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पे भी कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड का भी यही मीनिंग है, हम आंगी वननेस, जिसको हम कहते हैं वाहदानियत। उसके बाद आगे आ गया जी थर्ड स्टैंजा, इसमें देखिए वर्ड यूज हुआ है मैडनेस, मैडनेस कहते हैं दीवानगी को, डेविएशन, ठीक है, और एक मीनिंग इसका और भी आप यूज कर लें इसी के साथ, एसोसिएशन यानी वाबस्तगी, डेविएशन भी और वाबस्तगी भी। उसके बाद आगे देखिए इसी से आगे वर्ड यूज हुआ है डिपार्टेड, डिपार्टेड रुखसत हो गई, चली गई, वैनिश्ड, गायब हो गई। उसके बाद डिपार्टेड का एक मीनिंग हो यहां पर आप लिख लें वैनिश के साथ, डिसअपीयर, गायब हो जाना, खत्म हो जाना। नेक्स्ट आगे जी यहां पर वर्ड यूज हुआ है थिन, ये देखिए यहां पर वर्ड आया थिन, थिन कहते हैं पतला, वीक, कमजोर। उसके बाद आगे आ गया जी हमारा परप्लेक्स्ड वर्ड, परप्लेक्स्ड परेशान, वरीड, अपसेट, और इसी से पहले वर्ड है रैंक्स, ओहदे, मर्तबे, इसका है लाइंस या आप ये कह लें डेजिग्नेशंस, डेजिग्नेशंस ओहदे। तो ये था स्टूडेंट्स आज के हमारे लेक्चर की मेन मेन हमारे सिनोनिम्स। अब इनमें से मैं शॉर्ट लिस्ट कर देता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, उनके ऊपर मैं यहां पर स्टार बना देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि जो ओकेजनली आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर की तरफ से पूछे जाते हैं। तो ये जिनके ऊपर स्टार बना है, दीज आर मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ आवर पोएम। इन द लास्ट ऑफ आवर लेक्चर इट इज होप दैट यू विल फील वेरी वेरी कंसेप्चुअल आफ्टर स्टडिंग, आफ्टर वॉचिंग एंड आफ्टर लिसनिंग माई लेक्चर ऑफ पोएम Rubaiyat written by Allama Iqbal. This is the first part of our lecture based on poem Rubaiyat. In the second lecture of Rubaiyat poem, we will study about the question answer of the poem and we will also write down central idea and explanation of all stanzas of this poem. Wish you best of luck. Allah Hafiz.